तो सबसे पहले एक पेपर लेना है जिसको ऊपर नीचे दोनों तरफ फोल्ड कर देने का देने के बाद इसके एक साइड को ट्रायंगल से फोल्ड कर देना है। उसके बाद फोल्ड कर देने के बाद सेम उसी तरीके से फिर से फोल्ड कर देना है, बराबर फोल्ड करके कैंच की मदद से जिस प्रकार के शेप में कट कर लेना है। उसके बाद एक और पेपर लेना है जिसको फेविकॉल से चिपका कर उसको भी उसी तरीके से शेप में फोल्ड कर कट कर लेना है। उसके बाद एक और पेपर लेना है जिसको बराबर फोल्ड कर कट कर लेना है। उसके बाद कट हो जाने के बाद दोनों पेपर्स को और पहले वाले पेपर में इस तरीके से फेविकॉल की मदद से चिपका देना, उसको चिपका देना। उसके बाद ये प्लेन के डिजाइन बनकर तैयार हो चुका है। इसके किनारे वाले भाग में इस प्रकार से कट लगाकर इसके ऊपर पर कुछ चिपका देना जिसकी यह भारी हो जाए। उसके बाद हम रबर बैंड की मदद से इसको फ्लाई करेंगे। बाहर में बारिश होती थी इसलिए मैंने घर पर ही टेस्ट करके देखा है, आप इसको बाहर पर यूज़ करना फ्लाई कर।